रेलवे कर्मचारियों द्वारा बैठक का हुआ आयोजन। मुरादाबाद के रेलवे कर्मचारियों द्वारा बैठक का हुआ आयोजन किया गया और कहा गया कि मजदूरों की विचारधारा कार्यशैली देखते हुए आरएमयू में आए साथियों ने मजदूरों की आवाज़ को बुलंद किया। निजीकरण को बंद किया जाए और पुरानी पेंशन बहाल की जाए की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में नॉर्थन रेलवे यूनियन के द्वारा स्टेशन शाखा की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जो एस सिंह ने की और संचालक आईवन एडिसन ने किया। बैठक में सर्वप्रथम आरएमयू में आए साथियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया और विभिन्न समस्याओं को लेकर बात की गई। कहा गया कि रेलवे निजीकरण बंद किया जाए और पुरानी पेंशन बहाल की जाए। कहा गया कि वर्तमान सरकार रेलवे को निजी हाथों में सौंप देगी, दूसरी यूनियन से साथियों का आना सिद्ध करता है कि अन्य यूनियन कर्मचारी हित के लिए कुछ नहीं कर रही है। जो साथी इसे समझते हैं और अपना तथा साथियों का उज्ज्वल भविष्य का सपना देखते हैं, वह हमारे साथ आकर हमारी शक्ति को बढ़ा रहे हैं। और अगर सरकार द्वारा निजीकरण बंद नहीं किया गया तो रेलवे मजदूर उग्र आंदोलन करेंगे और कार्य बहिष्कार करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की होगी। मुरादाबाद यूपी से परवेज संसारी की रिपोर्ट। सुहेल खालिद, आज ये हमारे जो उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन, जो हमारी सिस्टर यूनियन है, उसके तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी हमारी विचारधारा और कार्यशैली से प्रभावित होकर के मजदूर आंदोलन की लड़ाई लड़ने के लिए वहाँ से इस्तीफा देकर के हमारे संगठन में आए हैं। और उन्होंने कहा कि नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन हमेशा ही मजदूर आंदोलन पुरजोर तरीके से मजबूत करता आ रहा है और जो सरकार विरोधी नीतियां हैं, निजीकरण और न्यू पेंशन स्कीम को ख़त्म कर पुरानी स्कीम लागू करना और निगमीकरण और जो प्राइवेट ट्रेनें जो चला करके निजी हाथों में सौंपने की तैयारी सरकार कर रही है, उस लड़ाई को तेज़ करने के लिए वो लोग हम लोगों के साथ जुड़े हैं। और उन्होंने आश्वासन दिलाया है कि पूरी मजबूती के साथ आप लोगों का साथ दे करके मजदूर आंदोलन की लड़ाई में हम लोग भागीदार बनेंगे और निश्चित तौर पर यदि हमको सरकार के खिलाफ चक्का जाम करना भी पड़े तो आप लोगों के साथ मिलकर के हम लोग चक्का जाम की तैयारी करेंगे। मेरा नाम आईवन एडिसन है, स्टेशन बाण का शाखा मंत्री हूँ। आज जो हमारे साथी थे, कुछ यूआरएम के पदाधिकारी, बहुत कर्मठ कर्मचारी, पुराने कर्मचारी वहाँ से शुद्ध होके और हमारी ब्रांच में, हमारी यूनियन में आए हैं। आज उनका स्वागत है हमारी ब्रांच की तरफ से। क्या क्या है मतलब आपका, किस तरह से ट्रेंड करते हो बता रहा है, प्राइवेट में दे रखे हैं। प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ तो चल रहा है, अभी हमारे परसों महामंत्री जी आए थे और अभी बोनस की लड़ाई भी चल रही है कि बोनस का भी डिसाइड नहीं करा रेल ने, और महामंत्री ने कहा है कि अगर हम ये डिसाइड नहीं करेंगे तो बिना नोटिस के भी हड़ताल पे जा सकते हैं। किसी समय हमारे पास आया है कि अगर जल्दी से जल्दी नहीं करेंगे तो हम उसको जो है हड़ताल पे जाने की काम करेंगे, बिल को ठप कर दिया जाएगा। सारी ट्रेनें जो भी रुक रही थी, अभी तो लॉकडाउन में मालगाड़ी भी चल रही थी, मालगाड़ी भी नहीं चल पाएंगी उस समय जी, पूरा सब हमारी मांग नहीं मानी जा रही। हर जगह प्राइवेटाइज हो रही है, 151 ट्रेनें हैं, अभी कोई ट्रेनें नहीं चलाई जा रही हैं, और जो ट्रेनें हैं वो क्लोन ट्रेनें चला रहे हैं, क्लोन ट्रेनें खाली जा रही हैं और जो मेन ट्रेनें हैं वो चला नहीं रहे हैं।